देखा था चैप्टर 8 भरत मिला जो है एकांकी, उसके अंदर हमने देखा था कि दृश्य पहला उसमें वन का एक भाग है, वहाँ पे राम जो वनवास गए हुए हैं तो वहाँ पे उन्होंने कुटिया बांध के वह रहे हैं, वहाँ पे वह रहते हैं। हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 8 भरत मिला का पहला भाग देखा था, वह एक एकांकी है वह मैंने आपको बताया था। इसके अंदर हमने देखा था कि वन का एक भाग है तो वहाँ पे राम सीता और लक्ष्मण कुटिया बांधकर रहते थे, दोनों राम सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और पास में लक्ष्मण खड़े थे, तो कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो राम लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई जरा देखो तो कौन आ रहा है, तो लक्ष्मण देखते हैं कि कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो राम ने कहा कौन है कि ध्यान से देखो, तो लक्ष्मण ने ध्यान से देखकर कहा कि ये तो भरत है और कुछ लोगों के साथ यहाँ पे आ रहा है, तो सावधान हमें हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए क्योंकि शायद वे लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हो। तो राम को उसकी बात सुनकर हंसी आती है कि हम लोग इतने साल साथ रहे तो क्या तुमने उसको पहचाना नहीं कि भरत कभी हमसे लड़ने के लिए नहीं आ सकता। लेकिन लक्ष्मण वह बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्यों नहीं पहचानूंगा, क्योंकि यह उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया है। तो सीता कहती है कि उसमें बेचारे भरत का क्या दोष है, वह तो जानता भी नहीं था। तो फिर लक्ष्मण कहता है कि लो वे लोग इस तरफ ही आ रहे हैं, यहाँ तक हमने देखा था, आज हम दृश्य दूसरा देखेंगे। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, निकट यानी कि नजदीक, साथ में हम शब्द भी देखते हैं। निकट यानी कि नजदीक, भरत दौड़ते हुए कुटिया जो है जो झोपड़ी बांधी हुई है उसके निकट आते हैं, नजदीक आ जाते थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, भरत रो रहे थे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं, चरण यानी कि पैर, चरण यानी कि पैर या फिर पांव भी कह सकते हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं, यह मुहावरा है गले लगाना, तो उसका मतलब होगा प्यार से मिलना, तो साथ में हम मुहावरा भी देखते हैं। गले लगाना, यानी कि प्यार से मिलना। तो राम जब भरत उनके चरणों में गिर पड़ते हैं उसे माफी मांगने के लिए, तो राम भरत को उठाकर उसको गले लगा लेते हैं। भरत कहते हैं रोते हुए, भरत रो रहे हैं और रोते रोते वह कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरत क्या कहते हैं, राम से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था, को आपको वनवास जाने के लिए मैंने कुछ कहा माँ को कहा नहीं था, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, पहले के समय में जो बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था, तो राम बड़े थे तो राम को ही राजा बनना चाहिए। तो भरत कहते हैं कि आप मुझसे बड़े हैं तो आपको ही राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ। भरत कहते हैं कि चलिए प्रभु, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए।
वो सिर्फ राम को लेने के लिए नहीं, लेकिन सबको कहते हैं, लक्ष्मण सीता सबको कहते हैं कि आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, जो नगर में रहते थे, जो प्रजाजन थी, वो भी उनकी भी यही इच्छा थी कि आप उनके साथ वापस अयोध्या में चलिए। निराश न कीजिए प्रभु, भरत विनती करते हैं और कहते हैं कि आप हमको निराश कीजिए नहीं। राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, यानी कि खुश हूँ। राम को भरत का प्रेम देखकर प्रसन्नता होती है, खुश हो जाते हैं और कहते हैं आगे, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वह क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, खुश हो गया हूँ, लेकिन मैं अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हुआ हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। माता पिता ने आज्ञा की एक बार, तो मैं वनवास पूरा करके ही वापस आऊंगा, तब तक मैं वापस आऊंगा नहीं। नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। जो नागरिक है वो कहता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है। राम इतने अच्छे थे कि उनका जो वियोग है वह सामान्य प्रजाजन को भी सालता था। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, कर्तव्य यानी कि फर्ज। वह नागरिक कहता है कि आपके बिना प्रजा दुखी है और प्रजा को सुखी रखना हो तो आपको वापस चलना चाहिए, क्योंकि प्रजा को सुखी रखने का राजा का कर्तव्य होता है। राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हाँ, कि मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रजा को सुखी करूं, लेकिन पहले मेरा कर्तव्य यह है कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूं, यह मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। राम नगरजनों को समझाते हैं कि नगरजनों, आपने कहा वो बात सही है, लेकिन सबसे पहला मेरा कर्तव्य क्या है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, और यह भरत जो है वो मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। कि जब तक मैं वनवास को पूरा करके न आऊं, तब तक मेरा जो ये भाई है वह आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। आदेश यानी कि आज्ञा या हुक्म। भरत कहते हैं कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है। विनती यानी कि प्रार्थना है, उसे स्वीकार करें। राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो। भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पांव की खड़ाव दे दें। पांव यानी कि पैर, जो मैंने आपको बताया चरण को पैर भी कहते हैं और पांव भी कहते हैं, तो पांव को पैर भी कहेंगे। तो भरत कहते हैं कि मुझे आप अपने पांव की जो खड़ाऊ है, खड़ाऊ जो मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया था, खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की पादुका, तो वह मुझे दे दे। राम कहते हैं, खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे। भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत ऐसा कहते हैं कि इस जो खड़ाऊ है उसको मैं सिंहासन पर रखूंगा, और जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसको सिंहासन पर रखकर सेवक की तरह मैं राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद होना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना, यह मुहावरा है। गदगद होना यानी कि
पुलकित होना या फिर आनंदित होना, दोनों अर्थ आएंगे। तो भरत का प्रेम देखकर राम सीता और लक्ष्मण आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। रामचंद्र यानी कि राम, राम को रामचंद्र के रूप नाम से भी संबोधित करते थे। तो वह आगे बढ़ते हैं और भरत को फिर से गले लगा लेते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगर जन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। फिर खड़ाऊ जो है राम ने दी तो उसको लेकर भरत नगर जनों के साथ वापस अयोध्या जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो उस वक्त राम और भरत की सभी नगर जन जय बुलाते हैं और फिर वहां से विदा होते हैं। तो आज हमने दृश्य दो के अंदर देखा कि भरत जब राम से मिलने आता है तो आते ही उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो आप वापस चलो और क्योंकि आप बड़े हो तो आपको ही राजा बनना चाहिए और नगर जनों की भी यही इच्छा है। लेकिन राम कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है उससे मैं देखकर प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो एक नागरिक जो है, जो नगर जन है, वह बोलता है कि प्रभु आपको तो वापस आना ही होगा क्योंकि आपके बिना तो प्रजा दुखी है और प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है। राजा राम कहते हैं कि सही बात है कि प्रजा को सुखी करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करूं। जब 14 साल का वनवास पूरा होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक यह भरत मेरा भाई है, वह आपके सुख दुख का ख्याल रखेगा। फिर भरत कुछ सोचकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप जैसी आज्ञा करें मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन आपको आपके पैर की मुझे खड़ाऊ देनी होगी। राम अचंभित हो जाते हैं, खड़ाऊ क्यों, खड़ाऊ क्यों मांग रहे हो? तो भरत कहते हैं कि वो जो खड़ाऊ है आपकी उसको मैं सिंहासन पर रखूंगा और एक सेवक की तरह अयोध्या का राजकार्य संभालूंगा। तो राम प्रसन्न होते हैं, उसको खड़ाऊ देते हैं और उसको प्रेम से गले लगाते हैं। फिर जो भरत है वह नगर जनों के साथ खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्या चलते हैं। तो उस वक्त भरत और राम की जय बुलाते हैं। तो यह जो बात है वह प्रसंग हमने दृश्य दो में देखा। मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू।